हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? यही नहीं, अभी और सुनिए। वाकई यूट्यूबर्स की जैसे मेरे घर में तो कोई चाचा मौसी मौसा आते हैं नहीं, तो मैं जो बनाती हूँ खुद के लिए बनाती और खुद ही खा जाती हूँ। इसलिए आज मैं बना रही हूँ प्याज और बंदा के पकौड़े। पकौड़े तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग क्या सभी लोग बनाते हैं, लेकिन उनके पकौड़े बाहर की तरह नहीं होती। उनकी शिकायत यही रहती है कि उनकी पकौड़े फीकी पड़ जाती है। होंगी भी कैसे, आप मेरी वीडियो थोड़ी देखते हो कि आप once more। यहाँ हम ले लेंगे थोड़े से प्याज, थोड़े से पत्ता गोभी, थोड़े से धनिया पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने तीखेपन अनुसार ले सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है उतना आप मिर्च ले सकते हैं। मुझे तीखा बहुत पसंद है इसलिए मेरी ज़ुबान भी बहुत तीखी चलती है। Control. फिर हम लेंगे एक और आधा कप बेसन, थोड़े से खारे मसाले जैसे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी गर्म मसाला और एक और आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सभी को अच्छे से मिलाकर हम 10 मिनट तक ढक कर रख देंगे। 10 मिनट ढकने के बाद हम एक कढ़ाई में गर्म तेल लेंगे। याद रखिएगा तेल सरसों और रिफाइंड दोनों मिक्स्ड होना चाहिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा सरसों फॉर टेस्ट एंड रिफाइंड फॉर हेल्थ। गर्म हो जाने के बाद हम इसमें गर्मा गर्म पकौड़े तल लेंगे। पकौड़े गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे चाय के साथ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।